जयपुर में जल महल के सामने स्थित राजस्थान हाट में चल रहे 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल छप्पन भोग उत्सव 2022 में लोगों का काफी उत्साह नजर आ रहा है। फेस्टिवल के दूसरे दिन राजस्थानी पारंपरिक थाली और डेजर्ट एंड स्वीट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अलग अलग प्रकार के व्यंजन प्रदर्शित किए। छप्पन भोग उत्सव में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के बैनर तले इस फेस्टिवल में 100 स्टॉल पर प्रदेश के मशहूर और लजीज व्यंजन, मसाले और रसोई से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। शाही थाल बना के लेके आई हूँ, उसमें मेरा हाथ का गेहूं के दूध का खीच जो उदयपुर में फेमस है और सकरात पे बनाया जाता है, और राबोड़ी बनाई है जो जोधपुर की फेमस है, मूली पत्ता और बाजरे की राब, और मिठाई के अंदर मीठा नमकीन चावल है, और बहुत सारी हरी सब्जियों का थाल मैंने सजा कर लेकर के आई हूँ, और गेहूं का खींचा सैलिड के साथ बनाया है। जी, जो छप्पन भोग का आयोजन हो रहा है, इसमें आज थाली प्रतियोगिता का आयोजन है, इसमें हमने हमारी तरफ से राजस्थानी भोजन को शामिल किया है और राजस्थानी स्वीट्स को शामिल किया है। इसमें हमने सभी 56 प्रकार की स्वीट्स और राजस्थानी मारवाड़ी जो भोजन है वो सारा, जो चूरमा दाल बाटी है, बेजड़ की रोटी है, ज्वार रोटी है, मक्का रोटी है, बाजरा रोटी है, खिचड़ी है, दलिया है, छाछ है, अचार है, सब तरह के जो आइटम राजस्थानी फेमस है खाने के, वो सारे आइटम हमने इंक्लूड किए हैं। सर, हमारे लगभग 150 आर्टिकल्स है, वो के आर्टिकल कंपनी लॉन्च करती है, जिसमें अपने स्पेशली पाउडर हैं CTC में, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, साबुत मसाले, सारे रेंज आती है साबुत मसाले की, जीरा, राइस हो, अजवाइन, ऑल आर्टिकल है जो कंपनी खुद रॉ मटेरियल परचेज करती है और खुद ही पैक करती है। मैं मिट्टी का काम करता हूँ और ये कलर वलर सब हम करते हैं, और अच्छी हो रही है दुकानदारी। 1000 रुपये काम करते हैं, जब 400 रुपये का मेन था ना चल जाता है और 600 रुपये मिलता है बस। एक्चुअली यहाँ पे बहुत बार लगता है फेयर वगैरह, पर इस बार जो ये लगा है ना, ये इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा है। पर्सनली बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइक गुड़ से बनी हुई, बाजरे से बनी हुई चीज़ें हैं जो बच्चों ने खुद पसंद किए। घर पे बाजरे की रोटी नहीं खाते, बट अभी यहाँ मफिन्स वगैरह सब कुछ ले रहे हैं और खा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है।